हेलो गाइस, जय हिंद, राम राम सबको। तो आज कुछ सरप्राइज़ होने वाला है, तो जा रहा हूँ। हमारा जो दीदी का जो एनिवर्सरी है, तो उसके लिए कुछ धमाका करना है आज, तो हम लोग जा रहे हैं। तो अभी दिखाएंगे। तो ये सरप्राइज़ होगा क्योंकि हमने इनवाइट नहीं किया है और ना ही कुछ मतलब प्लानिंग था, बस अचानक हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक सरप्राइज़ दे दिया अपनी बड़ी बहन को। तो चलो, अभी निकलने का वक्त हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे मेरी बहन मतलब तैयार हुए, हेलो बोल दो। वाह, देखो काले में भी सफ़ेद आ रहा है। तो चलो हम लोग अभी निकल कर, यहाँ पे हमारा ऑटो है, तो चलते हैं। शुरुआत कर दिया है हम लोगों ने, और काफ़ी दिनों से ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा बिजी है अपने कामों में, इसीलिए जो टाइम मिलता है तभी हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। तो वहाँ जाके दिखाते हैं। गाइस, हम लोगों ने शुरुआत कर चुका है यहाँ से, अभी हम लोग जा रहे हैं और हम लोग ऑटो में हैं। देख सकते हो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, पर दीदी के एनिवर्सरी में जा रहे हैं। अच्छा, पर सरप्राइज देंगे, इनविटेशन नहीं है, सरप्राइज है ये। तो अभी देंगे, जाके देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है वहाँ जाके। तो अचानक शॉक भी लग सकता है, क्या कारण का झटका। तो चलो सामने जाके दिखाते हैं। हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पत्थरगंज में पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने अपना शॉपिंग वगैरह कर लिया है। तो बहन जी को सरप्राइज देना है, ये उनका 5th एनिवर्सरी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑटो में, देख सकते हो। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, हम शायद कितने हैं टोटल, 4 है। हम लोग पहुंच गए अपने बहन के घर में, तो अभी धमाका करने वाले हैं। तो अभी तक मतलब जाना नहीं है, तो देखते हैं। भाई पूछ रही है क्यों आए हो अचानक, तो प्लानिंग है, दिखाएंगे। तो ये देखो, ये यहाँ पे खेल रहे हैं और बहन लोग वहाँ पे हैं और भैया जी यहाँ पे हैं। हाय हाय, देखो इसकी मासी, मौसी जी है ना। हाँ, यहाँ पे भी मौसी जी है। नाम क्या था? हर्षिता। वाओ, ठीक ही है। चलो ये देखो हमारी बहन यहाँ पे है। दीदी हैप्पी एनिवर्सरी। मतलब YouTube में जाएगा। अभी मजा आएगा, अभी YouTube में जाएगा ब्लॉग। अभी सरप्राइज बाकी है, तो अभी दिखाने जा रहे हैं एक सरप्राइज। तो इधर हमारी जो बहन है वो अभी क्या बना रही हो आप? मैगी, अंडा फ्राई। अच्छा, मैगी। हाँ, मैगी हम लोग लाए हैं। अभी हमारी जो बड़ी बहन है सप्तमी जी, तो बना रहे हैं। वाओ, पाउडी हो रही है। तो चलो अभी कुछ हटका सा दिखाते हैं। अभी एंटर हो चुके हैं हमारे रूम में, और यहाँ पे मेरी जो बड़ी बहन है यहाँ पे है, और हमारे जीजू वहाँ पे है। तो ये मतलब अचानक सा था। तो ये देखो यहाँ पे हमारा जो केक है एनिवर्सरी का, नाम भी देख सकते हो, जो कि हैप्पी एनिवर्सरी अप्पू एंड मामूनी। एक बहुत ही बढ़िया सा केक है, तो दिखाते हैं। ये चीना, गाइस देख लो, अभी रेडी हो चुके हैं हम लोग, केक काटेंगे। ये देखो एनिवर्सरी का केक यहाँ पे है, और हमारी बहन जी यहाँ पे है, और जीजू का आगे पता नहीं। तो आप कुछ बोल दो, आज एनिवर्सरी है। क्या बोलूं? कुछ बोलो ना, मतलब उनके बारे में, वो सदा खुश रहे, झगड़े ना, उनके बीच लड़ाई भी ना हो, ऐसे कुछ बोल दो कुछ। तो गाइस ये हमारी मतलब बहन और जीजू का 5th एनिवर्सरी है। तो आज हम लोग मतलब सरप्राइज देने वाले, मतलब बिनी तो पूरा, मतलब बिनी नहीं जीजू, तो वो पूरा शॉक हो गए अचानक, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो अभी देख लो, शादी का फोटो दिखा दे। शादी का फोटो तो यहाँ पे, ये देख सकते हैं शादी का फोटो है। ये कब हुआ था? आज के दिन ही हुआ था ना। आज कितना तारीख है? 5th मार्च। हाँ, 5th मार्च को ही हुआ था, देख सकते हो। 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गया। देखो देखो ये रहे इनकी बेटी। वाओ, ये बहुत क्यूट है ना। तो आप लोग कमेंट में बताना इसका क्यूटनेस लेवल कितना तक जाए। केक देख रही है कब से। हाँ, केक तो बहुत अच्छा है। ये मतलब खाना चाहती है ना केक, इसीलिए खाना है, खाना है।
लो यहाँ पे फोटोशूट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया सा भी ऑसम व्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सब पूरा फैमिली है और यहाँ पे फोटो शूटिंग शायद DSLR लाते तो अच्छा ही होता है। चलो देख लो। तो गाइस अभी केक काट रहे हैं। जुग जुग जियो आप दोनों। नहीं नहीं पहले मम्मा को, मम्मा को, पापा को। हाँ बढ़िया। क्लिप करो, क्लिप करो, क्लिप करो, क्लिप ऑन दे। वाह हैप्पी एनिवर्सरी 50 ईयर। मेंटर हो चुके हैं। देख सकते हो हमारी बहन जी ने बहुत मेहनत करके ये सब बनाया है और ये तो शुरुआत कर दिया है इसने। बेटर है ये देखो कि पूरा साफ कर दिया है अभी मैगी। वैसे दीदी तो बोल रही थी कि मतलब राइस खाने के लिए पर नहीं होगा चावल वगैरह क्योंकि हम लोग को लेट हो रहा है तो इसीलिए ये आज एनिवर्सरी का जो दीदी और जीजू के लिए दिया। देख लो चाह पीते शुरू का। बढ़िया है। करने का समय आ चुका है तो हम लोग अपना जो बहन और जीजू का जो एनिवर्सरी है वो भी ख़त्म करके आ चुके हैं। तो बहुत मज़ा आया क्या ही बोले। जीजू को तो पूरा शौक सा लग गया, ऐसा लग रहा है कि करण का झटका लग गया हो तो मतलब वो देखने लायक था। तो वैसे मज़ा आया बहुत और बहुत दिनों के बाद ऐसा एक पार्टी एंजॉयमेंट किया। मेरे को तो बहुत मज़ा आया अपना जो। और आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये सरप्राइज था ना तो इसीलिए। तो आप भी बोलिएगा और आपको कमेंट में रिव्यू भी भरा देना आप लोग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सबको, आपका दिन शुभ हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।